हाय एवरीवन, हमारे दी माइंड मेंटर्स में वी कोच दी सोच इस मिशन के साथ हम अक्सर अपने क्लाइंट्स का जो है वो ट्रेन द ब्रेन प्रोग्राम करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, सेल्फ सेबोटेज से हम उन्हें सेल्फ एफिकेसी और सेल्फ एम्पावरमेंट तक की जर्नी तक लेके आते हैं। और इसमें बहुत सारी वुमेन ऐसी रही हैं, फीमेल स्पीशीज़ ऐसी रही हैं जिनकी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुई है और फीलिंग ऑफ वर्दी वर्थलेसनेस होपलेसनेस से वो एक फीलिंग ऑफ मीनिंगफुल लाइफ पर्पज़ ऑफ लाइफ उसको वो जो है वो पा सकी ढूंढ सकी। उन्हीं में से मेरी एक सखी, उनका कल मुझे मैसेज आया कि मैम आई एम इंजॉइंग इनर पीस, आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ नाउ, आई एम हैप्पी विद माई माइंड सेट, बट सम हाउ आई फील लोनली। मुझे लोनलीनेस की फीलिंग आती है, मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल अलग रह गई हूँ। तो बिल्कुल आपकी जो फीलिंग है बिल्कुल जायज़ है, मैं नाम नहीं ले रही हूँ लेकिन मुझे पता है वो आज मुझे सुन रही हैं। ये मैं इसलिए सेशन के लाइव सेशन के थ्रू या वीडियो के थ्रू बात कर रही हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि जब वो ग्रो करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक एनर्जी लेवल को से एलिवेट होके वो एवरेज से ऊपर आने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादातर उन्हें लगता है कि भीड़ का हिस्सा वो नहीं रहे। तो उसमें आपको अगर अफसोस है और आप चाहते हैं कि आप उसी भीड़ का ही हिस्सा रहें और ये लोनलीनेस की फीलिंग ना रहे, तो अपनी एनर्जी ड्रॉप कर दीजिए, ड्रॉप टू लेवल ऑफ गॉसिप्स, बैक बिचिंग और फेक प्रिटेंडिंगनेस, पॉलिटिक्स, फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में आप देखोगे कि आप फिर से उस भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। लेकिन अगर वो चीज़ें आपको पीस ऑफ माइंड नहीं देती, आपको मीनिंग नहीं देती, आपको पर्पस ऑफ लाइफ नहीं देती, तो फिर आपको ये एलिवेशन को जो है वो पॉजिटिवली लेना पड़ेगा। इस लोनलीनेस को एक उस तरह का जो मोमेंट है या उस तरह की पोजीशन लेनी पड़ेगी जैसे आप देखते हो एक पिरामिड है, नीचे बहुत भीड़ होती है, जैसे जैसे आप पहाड़ पे ऊपर चढ़ते हो, जैसे जैसे आप चोटी की तरफ जाते हो, ऊंचाइयों की तरफ जाते हो, तो वो स्ट्रक्चर ऐसा होता जाता है और उस पे रास्ते पे भीड़ कम होती है, एक्सक्लूसिव लोग होते हैं, एलीट लोग होते हैं। तो जो माइंड ट्रांसफॉर्मेशन है, थॉट ट्रांसफॉर्मेशन है, पर्सपेक्टिव है, जब ये बदलेगा तो फिर आप वही सोशल प्रेशर, प्रिटेंडिंगनेस, फेकनेस वाले सर्कल का हिस्सा नहीं रहोगे। देन डेफिनेटली यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट। और मैं अपनी फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि आइदर इंजॉय दैट क्राउड या फिर इंजॉय योर पीस ऑफ माइंड एंड एलिवेशन, एलिवेशन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनर साइड। आई एम पार्ट ऑफ दैट एलीट एंड एक्सक्लूसिव ग्रुप एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। आप भी अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मैं स्वीन सैनी, दी माइंड मेंटर स्वीन, वी कोच योर सोच। थैंक यू।